फ्रेंड्स, आज हम जैक बोर्ड का क्लास 7th का साइंस का एकदम ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूरा लड़ जाएगा, जो कि आपको पूरा में 100 मार्क्स आ जाएगा, पूरा 100% आपका पूरा नंबर आ जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। मैंने कहा था चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रखिए, ओरिजिनल पेपर मैं इसी चैनल पे डालूंगा। तो ओरिजिनल पेपर आपका आ चुका है, आप अपना एग्जाम डेट जरूर कमेंट कीजिएगा, इसलिए हमको सुविधा होता है। एग्जाम डेट जरूर कमेंट कर दीजिए और जिला का नाम आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो एग्जाम डेट जरूर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम अब सभी सब्जेक्ट का ओरिजिनल पेपर प्रोवाइड करा सके। ये आपका साइंस का है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे दो नंबर का एग्जाम है, एक मार्क एक वाला, दो मार्क्स का एग्जाम है, 5×2=10। तो देखते हैं निम्नलिखित परिवर्तन किस प्रकार के हैं, बताना है किस प्रकार का परिवर्तन है। भोजन का पचना, भोजन का जो भोजन पचता है वो किस प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा नंबर देख लेते हैं, कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ना, ये भौतिक परिवर्तन है। फिर साट देंगे तो फिर वापस चलाएगा। रासायनिक परिवर्तन का मतलब फिर से वापस ना आ सके, भौतिक परिवर्तन का मतलब कि फिर से वापस चला जाए। अगला देख लीजिए, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना ये क्या कहलाता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। अगला देख लीजिए, मोमबत्ती जलना, मोमबत्ती जलना रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ये मोमबत्ती का जलना है, ठीक है। अगला देख लीजिए, दो नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अपघटन किसे कहते हैं, तो अपघटन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे देख लीजिए, अपघटन किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे दो नंबर का देख लीजिएगा। ये आपका एकदम रियल पेपर है, इसको पूरा याद कर लीजिए या अपना कॉपी में लिख लीजिए, जैसे भी आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। आगे देखते हैं इसका दो का आंसर, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटन कहलाते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तथा फंगस दो मुख्य अपघटक है, ठीक। तो यहाँ पे देख लिए, दो का आंसर देख लिए। यहाँ पे तीन नंबर देख लीजिए, स्वस्थ मानव शरीर का तापमान क्या होता है, स्वस्थ मानव शरीर का तापमान क्या होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या फॉरेनहाइट में कितना होता है, 98.6 डिग्री, ठीक। यहाँ पे चार नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे चार नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रीना के दांतों में दर्द के इलाज के लिए उसकी माँ उसे दांत के डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने एक दर्पण से उसके मुंह के अंदर देखा, आप बताना है कि डॉक्टर ने किस दर्पण का उपयोग किया और क्यों, तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया और क्यों उपयोग किया और क्यों उपयोग किया बता सकते हैं, ताकि बड़ा बड़ा दांत दिख सके। डॉक्टर ने उत्तल दर्पण का उपयोग किया क्योंकि उत्तल दर्पण वस्तुओं को बड़ी दिखाई देती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे पांच नंबर कि पौधों में जल तथा भोजन का परिवर्तन पौधे के किस भाग से होता है, तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए, पौधे में जल तथा भोजन का परिवहन जाइलम एवं फ्लोएम से होता है। बोले थे जाइलम जाता है ऊपर और फ्लोएम फैलाता है। छठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आपके घर की लोहे की खिड़की में जंग लग गई, जंग से बचाने के लिए आप क्या क्या करेंगे, तो जंग से बचाने के लिए आप क्या करेंगे, उसको खिड़की को पेंट कर देंगे, ग्रीस लगा देंगे या लेप चढ़ा देंगे, आप जो भी तीन चार लिख दीजिएगा। यहाँ पे एक दो लिखा हुआ है, एक और आप दो तीन चार और लिख दीजिएगा, ठीक, तो और अधिक नंबर मिल जाएगा। सात नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित के द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं, तो समतल दर्पण और अवतल दर्पण की विशेषताएं बताना है, ठीक, दोनों का। यहाँ पे चलिए देखते हैं, यहाँ पे समतल दर्पण से बना विशेषता क्या है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के विशेषताएं। पहला विशेषता है समतल दर्पण द्वारा, जो समतल दर्पण जो आपके घर में लगा हुआ रहता है, समतल दर्पण से जो आप आईना में देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, जो आप देखते हैं सीधा होता है, यह आभासी होता है, ठीक। बिंब समान साइज का होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर आप सामने खड़ा रहते हैं, ठीक। अगला देखिए अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता, अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी काल्पनिक सीधा, आभासी और काल्पनिक दोनों एक ही बात है, सीधा छोटे आकार का होता है, प्रतिबिंब लेंस के फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच होता है, चाहे वस्तु लेंस के सामने कहीं खड़ी हो, ठीक। आगे देख लीजिए आठ नंबर क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, लैंगिक जनन और लैंगिक जनन के मुख्य अंतर क्या है, तो ठीक, लैंगिक जनन के बीच में बीज की आवश्यकता पड़ती है और लैंगिक जनन में बीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लैंगिक जनन का लिख के ऐसे बीच में कॉलम दे दीजिएगा, ठीक, दो कॉलम बना के लिख दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, पहला लैंगिक जनन के नए पादप बीजों के प्राप्त होते हैं, ठीक, पादप बिना बीजों के ही नहीं पादप को उत्पन्न करते हैं, पादप बिना बीजों के ही
नए पादप उत्पन्न करते हैं। ठीक, यहाँ इतना लिख दीजिएगा। यहाँ पे बी नंबर देख लीजिए, लैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा युग्मों की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा युग्मों के जनन आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में विविधता की संभावना होती है। लैंगिक अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में विविधता की संभावना बहुत कम होती है। ठीक, नौ नंबर देख लीजिएगा, प्रकृति में बीजों का प्रकीर्णन के कारण प्रकीर्णन के साधन क्या है, उदाहरण सहित बताया तो बताना है। तो बीजों का फैलाव प्रकीर्णन कहलाता है। इसकी विशेष विधियां वायु जल द्वारा जंतुओं द्वारा एवं फलों के विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन होता है। अगला देख लीजिए, उसी का है कि बीजों के प्रकीर्णन के साधन तो वायु द्वारा प्रकीर्णन और जल द्वारा प्रकीर्णन। ठीक, आगे देख लीजिए, दस नंबर देख लीजिए क्या दिया हुआ है। खाद्य श्रृंखला क्या है, तो किसी परिवहन में पदार्थों का चक्रीय प्रभाव खाद्य श्रृंखला कहलाता है। जंतुओं द्वारा खाद्य खाया जाने वाला श्रृंखला कहलाती है। घास के मैदान की श्रृंखला, देखिए घास को कीट खाता है, कीट को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। ठीक, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए और आप याद कर लीजिएगा, ये आपके सीधे एग्जाम में लड़ जाएगा। देख लीजिए अगला, कायिक वर्धन प्रवर्धन की सामान्य विधियों का उदाहरण सहित वर्णन करें। पहला है जड़ों द्वारा, भूमिगत तनों द्वारा, तीसरा है भूपृष्ठीय तनों द्वारा और चौथा है पत्तियों द्वारा। ठीक, अगला 12 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है, तरित झंझा के समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो कौन सी सावधानी बरतने, यहाँ लिख दिया है किसी खाली स्थान पर जंगल में किसी बड़े पेड़ के नीचे नहीं रुकना चाहिए, दूसरा है जमीन पर नहीं लेटना चाहिए, तीसरा है धातु की डंडी वाला छाते का उपयोग नहीं करना चाहिए, खिड़की खुली के पास नहीं रहना चाहिए, धातु की बनी चीज़ों के समीप नहीं रहना चाहिए, यदि संभव हो सके तो घर के अंदर सारे दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर देना चाहिए। ठीक, इतना लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे 13 नंबर देख लीजिएगा, समुद्र समीर तथा जल समीर से कैसे चलता है, सचित्र व्याख्या करें, या आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको बना दीजिए चाहे इसको बना दीजिए। इसका क्या है, ऊष्मा स्थानांतरण की विभिन्न विधि क्या है, उदाहरण सहित वर्णन करें। ठीक, तो चलिए हम पहला वाला कैंसर देखते हैं। ठीक, पहला वाला कैंसर क्या है, हाँ तो चलिए देखते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा अतिशीघ्र गर्म होता है, स्थल के ऊपर, ये पूरा देख लीजिए। ठीक, ये पूरा लिख दीजिएगा, आपका बन जाएगा, पूरा में पूरा मार्क्स मिल जाएगा, और हो सके तो ये चित्र बना दीजिएगा। ठीक, तो आप इस चैनल को, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन हम बता दिए हैं, और अब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको और चीज़ों का ओरिजिनल पेपर एकदम प्रोवाइड करा सकें। ये आपका एकदम ओरिजिनल पेपर है, आप अपना जिला का नाम और एग्जाम डेट आप जरूर कमेंट कीजिएगा। एग्जाम डेट कमेंट करने से हमको पूरा पता चल जाता है कितना तरीके एग्जाम है। एग्जाम डेट आप जरूर कमेंट कीजिएगा और जिला का नाम आप जरूर कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आपको ओरिजिनल पेपर प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद।